अलैकुम। आज हम आपको अंकुश हिंदी पाठमाला क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 7 यातायात के साधन, ये हम आपको T1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आपको ये आज यातायात के साधन के बारे में बताएंगे कि जो है यातायात मीन्स होता है आवागमन, यानी कि आने जाने का साधन। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि हमें आने जाने के लिए क्या साधन की जरूरत पड़ती है। तो हम आपको बच्चों आज यहाँ से सिखा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलना मनुष्य का स्वभाव है, वह अपने जीवन में ना जाने कितनी यात्राएं करता है, उसके लिए उसे सवारी की जरूरत भी होती है। वह पैदल कितना चल सकता है, दूर जाने के लिए साधन जरूरी होते हैं, उन्हें हम यातायात का साधन कहते हैं। क्या होता है, इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसे चलने का मतलब एक उसका नेचर होता है, चलना स्वभाव होता है। तो वह अपने जीवन में बहुत सारी मतलब सफर करता है, यात्राएं माने सफर करता है, उसके लिए उसे सवारी की जरूरत पड़ती है। उसकी किसकी आवश्यकता होती है, किसकी जरूरत होती है, हमें सवारी की। वह पैदल कितना चल सकता है, हम लोग भी पैदल कितना चलेंगे। दूर जाने के लिए साधन जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। हमें दूर जाने के लिए हमें एक साधन, एक फैसिलिटी चाहिए, उन्हें हम यातायात का साधन कहते हैं। यातायात मीन्स मैंने अभी बताया आपको आवागमन, यानी कि आने जाने का साधन, उसे कहते हैं यातायात का साधन। शुरू में ज्यादा सवारी नहीं थी, जब पहले जमाना था उस टाइम ज्यादा गाड़ियां वगैरह नहीं थी, तो लोग अधिकतर पैदल चलते थे। लोग कैसे चलते थे, पैदल ज्यादा चलते थे। बहुत कुछ लोग हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि जानवरों की पीठ पर चढ़ के यात्रा करते थे। कुछ लोगों के पास जानवर होते थे, जैसे हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि जानवर, वो लोग क्या करते थे, उनकी पीठ पर चढ़ते थे और उनकी यात्राएं करते थे। जबकि कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर चलते थे। घोड़ा गाड़ी मतलब होता है ना, ये घोड़े होते हैं, उनके पीछे होती बैलगाड़ी, उन्हें कहते हैं वो तांगा बोलते हैं। तांगा होते हैं दो मतलब घोड़े, उसके पीछे एक बगिया जैसी बना देते हैं और टायर वाला, उसे कहते हैं घोड़ा गाड़ी, उस पे चलते थे। बैलगाड़ी गांव के लोगों की प्रिय सवारी होती है, सवारी थी मतलब ये जो है ना, ये देखो बच्चों ये बैलगाड़ी, इसे कहते हैं बैलगाड़ी। ये जो है गांव वालों का बहुत फेवरेट सवारी है, उनको इन पे बैठ के जाना बहुत पसंद है। लगभग 200 वर्ष पहले, 200 साल पहले जो है किसका आविष्कार हुआ था, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का आविष्कार, आविष्कार मानी खोज, हमने क्या किया था 200 साल पहले, रेलगाड़ी का आविष्कार किया था, उसकी खोज इन्वेंशन किया था। इसमें भाप के इंजन जो है लगे होते हैं, उस टाइम किसके इंजन होते थे रेलगाड़ी में, भाप के। बाद में डीजल और बिजली के इंजन आ गए, बाद में क्या आ गए, डीजल और बिजली के इंजन आ गए। आज आगे बढ़ते बढ़ते हम मेट्रो रेल और बुलेट रेल के युग में आ गए। पहले जमाने में रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, उसके बाद रेलगाड़ी उस टाइम किससे चलती थी, भाप के इंजन से, उसका इसमें जो है भाप के इंजन लगे हुए होते थे। उसके बाद डीजल और बिजली के इंजन आ गए। लेकिन अब आगे आगे जमाना जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जमाना बदलता जा रहा है। तो मतलब अब हम ऐसे युग में आ गए जिस टाइम मेट्रो रेल और बुलेट रेल, ऐसे युग में आ गए हम लोग। मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ पे, आप लोगों ने कभी देखी है, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है, मुंबई में है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महानगरों, बड़ी बड़ी सिटियों में जो है सबसे प्रमुख सवारी, उनकी सबसे प्रमुख जो उनकी मेन वो है, वो सवारी है जो वो गाड़ी जाना चाहते हैं, जिसमें रेल मेट्रो ट्रेन में जाते, क्योंकि वो जल्दी से पहुंचा देती है। तेज ये क्या है, तेज, साफ सुथरी और सुविधाजनक, ये बहुत तेज चलती है और ये साफ सुथरी भी है और उनमें सुविधाजनक, यानी कि हर उसमें फैसिलिटी है, तमाम जरूरत की सामान जो है वो वहां पे सुविधाजनक, हर मतलब सुविधा उसमें उपलब्ध रहती है मेट्रो में। हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी शुरू होने वाली, हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी शुरू होने वाली। इसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बुलेट ट्रेन है उसकी गति कितनी है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आने वाले समय में लोग उसको खूब पसंद करें, जो अब आने वाले समय में अगर बुलेट ट्रेन बन गई तो उस जमाने में उन्हें लोग बहुत पसंद करेंगे। दुनिया के कुछ दूसरे देशों में बुलेट ट्रेन जो रेल है वो बहुत पहले से चल रही है, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे बुलेट ट्रेन
ट्रेन जो है वो बहुत पहले से चल रही है, बिजली से चलने वाली गाड़ियां जो है उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, बहुत कम होता है प्रदूषण। माने गंदगी जो है वो मतलब धुआं वुआं ऐसे फेंकते हैं ना गंदगी, वो जो है बहुत कम होता है। बिजली के चलने वाली रेलगाड़ियों में प्रदूषण यानी कि गंदगी बहुत कम होता है। इसकी गति भी बहुत तेज होती है, इसकी जो स्पीड होती है, इसकी गति होती है वो बहुत तेज होती है। आने जाने के लिए सड़क यातायात का भी काफी महत्व है। आने जाने के लिए हमें आने जाने का जो सड़क है वहां पे आवागमन भी हमें काफी महत्व है, हमें इम्पोर्टेंट है वो भी। आज गांव गांव तक पक्की सड़कें बन चुकी है, आज क्या है गांव गांव तक पक्की सड़कें बन चुकी है। महानगरों में सड़कों का जाल मतलब बड़े बड़े शहरों में सिटियों में क्या है मतलब हर जगह सड़कें हैं, फिर भी ट्रैफिक जाम है ना अजूबा, बहुत सारा ट्रैफिक जो है वहां जाम है ना अजूबा, है ना अनोखी बात। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर लंबा है, लेंथी है, तो ज्यादा नहीं आ सकता, यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे।